Super Run Music present. नमस्कार, मैं आप सभी आए हुए अतिथि, मुख्य अतिथि एंड विशेष अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ सुपर वन म्यूजिक कंपनी की तरफ से। और सबसे पहले मैं जहाँ पर इस प्रांगण में बैठा हूँ, इस इंस्टीट्यूट में, उन महाशय का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने हमें ये प्रांगण दिया और एक सुनहरा मौका दिया कि हम केकड़े में आकर कुछ नए और अनुभवी कलाकारों को आपसे रूबरू करा सकें। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हमारी कंपनी की जो मालकिन है रेखा गौतम जी, वो कृपया कर मंच पर आए और फूल माला से हमारे यहाँ के जो विशेष डायरेक्टर्स हैं, ट्रेजरर हैं, केयर टेकर हैं, उनका अभिनंदन करें। जोरदार ताली से मैडम का स्वागत। तो सबसे पहले मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा हमारे बालाजी इंस्टीट्यूट होटल मैनेजमेंट के डायरेक्टर सर को, अतुल जी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। रेखा गौतम जी, प्लीज आप सर का स्वागत कीजिए फूल माला देकर। थोड़ा सा तालियां बजाते रहिए। थैंक यू सर। अब मैं चाहूंगा कि इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कृपया करके थोड़ा सा मोबाइल शांत रखें कार्यक्रम के दौरान। अच्छा होगा कि आप सब लोग अपने दूरभाष यंत्र यानी कि मोबाइल को साइलेंट मोड पे डाल दें, थोड़ा प्रोग्राम का आनंद लेते रहें। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा कि हमारे मंच पर श्री विक्रांत डागर जी आए, जो हमारे बालाजी इंस्टीट्यूट के ट्रेजरर आ रहे हैं। और अब मैं चाहूंगा मंच पर हमारे बालाजी इंस्टीट्यूट के केयर टेकर साहब को बुलाना, श्री मनोज डागर जी। रेखा गौतम जी, आप फूल माला देकर स्वागत करें। थैंक यू सो मच सर। सुपर वन म्यूजिक कंपनी यानी कि एक ऐसी कंपनी जिसके अंदर खुद एक अभिनेत्री, जो कि आप देख रहे हैं मिसेस रेखा गौतम, और एक बहुत ही अनुभवी, एक दिग्गज अभिनेता जिनका नाम है राजेश कुमार। तो मैं चाहूंगा पहले सर आप मंच पर आए, आपसे अभिनंदन मैं चाहूंगा कराना हमारे कुछ अच्छे कलाकारों का जो हमारे रीजनल फिल्म्स के एक्टर है। प्लीज जोरदार तालियों से स्वागत करें राजेश कुमार। मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा दो शब्द अपनी कंपनी के बारे में, हम लोगों के बारे में थोड़ी शुभकामनाओं के साथ बोले तो और अच्छा लगेगा। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आए हुए सभी अतिथिगणों का, थैंक यू, और हमारे बालाजी इंस्टीट्यूट के सभी अधिकारियों का, और जितने भी पार्टिसिपेट के लिए आए हैं, जो अपना ऑडिशन, अपनी आर्ट कला, अपना जो भी सिंगिंग है या कॉमेडी है, जो भी अपना अदाकारी दिखाना चाहते हैं, उनका सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और सुपर वन म्यूजिक कंपनी में सबका स्वागत है। ये सब आपकी कंपनी है, आप आज से इस कंपनी का, इस परिवार का हिस्सा है। तो और मैं अपने जो हमारे एंकर साहब हैं ना, बहुत अच्छे हैं, मैं इनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे रीजनल फिल्म के महादिग्गज एक्टर जनेश्वर भाई जी का, उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो बाकी हमारे कार्यक्रम को संभाल रहे हैं हमारे अर्णव जी। बाकी इस कार्यक्रम के अंदर थोड़ा सा जो त्रुटियां हों उनको माफ कीजिएगा, क्योंकि हमारी कोई प्रिपरेशन नहीं है, बस कोशिश है कि हम सब लोग जुड़ें, कुछ अच्छा करें। तो सर मैं चाहूंगा मैम थोड़ा सा आप दो शब्द बोले, अच्छा लगेगा, क्योंकि हम ही लोग बोले जा रहे हैं। मैम बड़ी शान से खड़ी है, प्लीज मैम थोड़ा। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। मैं आपका स्वागत करती हूँ अपनी सुपर वन म्यूजिक कंपनी में। मैं चाहती हूँ कि आप भी बहुत दिल लगा कर काम करें, बस मेरी यही दुआ है। थैंक यू मैम।
बहुत अच्छी बात कही मैम ने, जैसे कि आपने सुना कि हमारी कंपनी में आप लोग दिल लगाकर करें। देखिए जहाँ पर दिल लग जाता है कहते हैं दिमाग काम करना बंद कर देता है, लेकिन दिल और दिमाग जहाँ दोनों लग जाते हैं वहां कंपनी नहीं वहां एक फैमिली हो जाती है और इंसान अपनी तरक्की करने लगता है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा हमारे रीजनल भाषा के दिग्गज कॉमेडियन अभिनेता, उनका जोरदार तालियों से स्वागत हो, जमेश्वर त्यागी। देखिए हम सब लोग इनकी कुछ फिल्में देखकर बड़े हुए हैं और काफी हंसाते हैं। मेरा मानना है कि किसी के दिल को जरा सी ठेस देकर आप दुखा जल्दी देते हैं, आंसू आंखों में ले आते हैं लोग, पर हंसाना बहुत ही मतलब सर जैसा है कि बहुत मेहनत का काम है। तो इस समय मौका मिला है और ये मौका मैं छोड़ना नहीं चाहूंगा सर। कुछ छोटा सा सर हम सब लोगों के लिए आपकी जबान से कुछ छोटा सा कोई हास्य व्यंग कॉमेडी हो जाए तो बहुत अच्छा लगे। हो जी जा ले ले आई हा,
गया से कुर्ती जालीदार चीजा ले ले आईहा, गया से कुर्ती जालीदार चीजा ले ले आईहा। बहुत बढ़िया, जैसे कि आप भोजपुरी समझते होंगे तो जरूर आपको पसंद आया होगा, मुझे बहुत पसंद आया। थैंक यू सो मच राजीव राज प्रेमी जी, बहुत खूबसूरत, मतलब बहुत लजीज, क्या बोलेंगे यार, सुरीली आवाज है, लजीज तो बना होगा, भूल जाता है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। अब इसके बाद देखिए, बड़े बड़े आपने अच्छे कलाकारों से मैंने आपको रूबरू कराया, अब मैं चाहूंगा कि हम कलाकारी करके एक ना एक दिन तो खत्म होंगे, लेकिन हमारी कलाकारी को जिंदा रखने के लिए कोई तो होना चाहिए। उसी ट्रेन का जो मेन चलाने वाला चालक है वो एक छोटा सा बच्चा है, उभरता हुआ सितारा है, और कुछ ही दिनों पहले वो छोटी सी उनमें प्रतियोगिता में भाग लिया था और वहां पर वो अव्वल आया। और इस वक्त हमारे भारत की सबसे बड़ी संस्था NSD यानी कि नेशनल ड्रामा ऑफ स्कूल, उसके अंदर उस बच्चे का सिलेक्शन होने जा रहा है। मैं ईश्वर से गुजारिश और दुआ करूंगा उस बच्चे के लिए कि वो बहुत अच्छा उम्दा कलाकार बने। तो जोरदार तालियों से उसका स्वागत करते हैं और मंच पर बुलाते हैं युवराज सिंह। हमारे इस हीरो की जो मदर है वो भी हीरोइन है, उनसे परिचय कराया जाए, ये मैम है। और हमारे इस हीरो के जो पिता है वो भी हीरो है, राजेश कुमार जी। थैंक यू सो मच सर कि आपने अपने साथ साथ इस बच्चे को भी इस कला का एक अनुभव का एक्सपीरियंस का मौका दिया, और उम्मीद करते हैं कि आगे चल के बहुत अच्छा स्टार बने। बेटा मम्मी को सबके सामने, मतलब सबके सामने। चलो थैंक यू सुशील बहल जी हमारे। थैंक यू सुशील जी इतनी। सो मैम प्लीज कम ऑन द स्टेज, जोरदार तालियों से मैम का स्वागत करें। बस यही एक छोटा सा संदेश था। आई होप, उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में हम सब लोग जुड़ के काम करेंगे, एक अच्छा काम करेंगे, हम रीजनली नहीं इंटरनेशनल चीजें करेंगे। कहते हैं कि मैं तो अकेला ही चलाता, लोग जुड़ते चले गए, कारवा बनता गया और मंजिलें आसान हो गई और एक मुकाम हासिल हो गया। थैंक यू सो मच। नजर पड़ी या किसके आगी फूल जड़ी, सारे धाम की तेरे पर नजर पड़ी या किसके आगी फूल जड़ी, तेरा सोने पर गागात है गात और नखरा बहु की डाल, तेरा छोरा ने गया गति मार है मार, चोटी मेरी बन लाल तेरा। तू से
तुझे रोज जरा सा, तू मेरी है प्रेम की भाषा, लिखता हूँ तुझे रोज जरा सा, कोरे कोरे कागज जिन पे बेकस, कोरे कोरे कागज जिन पे बेकस, लिखता हूँ ये खुलासा, तुमसे मिले दिल में उठा दर्द करारा, जीने लगा वही जिसे इश्क ने मारा, तुमसे मिले दिल में उठा दर्द करारा, जीने लगा वही जिसे इश्क ने मारा, अभी अभी धूप थी यहाँ पे लो, अब बरसा तो गिरारा, जेबे खाली प्यार के सिक्कों से आओ कर ले गुजारा, कितना संभल ले बच कर चल ले, दिल तो ये दिया वारा, तुमसे मिले दिल में उठा दर्द करारा, जीने लगा वो ही जिसे इश्क ने मारा, तुमसे मिले दिल में उठा दर्द करारा, जीने लगा वो ही जिसे इश्क ने मारा। थैंक यू। आज खुश तो बहुत होगे तुम, देखो जिसने आज तक कभी तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाया, जिसने आज तक कभी तुम्हारे सामने हाथ नहीं फैलाए, वो आज तुम्हारे सामने हाथ फैलाए पड़ा है। बहुत खुश होगे तुम, बहुत खुश होगे कि मैं हार गया, लेकिन तुम जानते हो जिस वक्त मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, वो औरत जिस पर जुर्म पड़े तो उसकी पूजा बढ़ी, वो औरत जिसके माथे से तुम्हारे मंदिर के पत्थर घिस गए, वो औरत जो जिंदगी भर जलती रही लेकिन तुम्हारे मंदिर में दीप जलाती रही, वो औरत आज जिंदगी और मौत की सरहद पर खड़ी है, और ये तुम्हारी हार है, हार ये तुम्हारी हार। कौन सा जुर्म कौन सा पाप किया उसने, क्या उसका जुर्म ये है कि वो मेरी माँ है, क्या उसका जुर्म ये है कि उसने मुझे जन्म दिया, क्या उसका जुर्म ये है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, ये कि जुर्म की सजा दी जाए, घर से बेघर हो गए, मेरा बाप जीते जी मर गया, मेरी माँ स्वागी होते हुए विधवा बन गई, आज मांग तो मेरे गुनाहों की सजा मेरी माँ को मत दो, मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले करता हूँ, जो चाहे कर लो, मेरी माँ मुझे वापस दे दो, मेरी माँ तो वापस दे। बेटा पापा पापा तुम कहाँ से रह गए पापा, मैं कितना अकेला रह रहा हूँ, मुझे भाई भी कुछ नहीं समझते, माँ का हाल देखा है तुमने, कितना बुरा हाल है उनका, पता है पापा मैं इतनी लेट घर आता हूँ पर कोई मुझे ये कहने वाले नहीं, बेटा तू कहाँ था मैं तेरा, क्यों इतना टाइम लगाया, क्यों मैं बहुत मिस करता हूँ, प्लीज़ आ जाओ पापा, मेरे भाई मुझसे एक बार ये नहीं पूछते तू इतनी देर कहाँ था, कहाँ रहा, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, मैं चाहता हूँ कि मुझसे ये सब पूछे, इसलिए मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ पापा, पापा तुम वापस आ जाओ, पापा तुम वापस आ जाओ। हेलो, माय नेम इज़ साकिब मलिक, ये जो ऊपर वाला है ना वो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार मुझसे करता है, सबसे बड़ा कलाकार तो वो है, उसने इतनी बड़ी दुनिया बनाई, फिर इस दुनिया में हज़ारों लोग बनाए, हज़ारों लोगों के हाथों में करोड़ों लकीरें खींच दी, सुख की दुख की इज्जत की प्यार की सब लिख डाला सारा, लेकिन वो मुझसे इतना प्यार करता है, उसने मेरे हाथ में सिर्फ एक लकीर खींची, सिर्फ एक काली किस्मत की काली लकीर, अब जब उसने मुझे किस्मत ही काली दी है तो दुर्गा मैया की कसम बाला इतना काला बन के दिखाएगा कि कोई लग उसके सामने गोरा दिखेगा। माय नेम इज गणेशी, मेरा नाम गणेशी है सर जी, और भैया हीरो ने हीरो बनने आया। नमस्कार दोस्तों, आपका चैनल से मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, अब मैं सुनाता हूँ तुमको, चंदा
पैसा जेबा में नहीं है, मोदी लेकर चला गया। मोदी को और लालू को खटिया में मार मार के लाल कर दे, चांद मार दे, तो हम टमाटर लालू का फ्री में सब कुछ खिला दे। हाँ, हमारा नाम हम पैरवा पे चढ़ते थे जब खेतिया में, तो आम चूसते थे तो सब नीचे कहते थे, ए बबला ए दूसरे बाबू नीचे आ जा, क्या करें साहब, आम बहुत चूसते थे ना, तो हमको गांव में चूसने का नंद ज्यादा जानता है। राजेश सर को हम इतना प्यार करते हैं, राजेश सर को हम इतना प्यार करते हैं कि उनको जनेश्वर त्यागी सर, प्लीज आके थोड़ा बताइए सर, आपके अनुभव से कुछ सीखने को मिलेगा हम सब लोगों को। सुपर वन म्यूजिक कंपनी की तरफ से आप दर्शकों तक एक संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि जैसा हर चैनल पे या इस पे यूट्यूब पे जो भी देहाती प्रोग्राम देखते हो, तो आजकल यूपी सबसे लास्ट में है, हरियाणा भोजपुरी ये सब कुछ चल रहा है, हमारे यहाँ की सरकार का भी ध्यान इस तरफ नहीं है। तो मैं एक बात सभी से कहना चाहूँगा कि मेरे भाई राजेश जी ने ये चैनल की स्टार्टिंग इसीलिए की है कि जितने भी हमारे प्रदेश के, चाहे कहीं के भी हों, कोई से तहसील के हों, गांव के हों, देहात के हों, जिन्हें मौका नहीं मिल पा रहा है, गांव में एक से एक प्रतिभाएं हैं, सिंगर भी हैं, कलाकार भी हैं, जिन्हें मौका नहीं मिल पा रहा, हम इस चैनल के माध्यम से आप तक संदेश पहुँचा रहे हैं। जिसकी भी इच्छा हो, लड़की लड़के बूढ़े जवान जो भी इच्छुक हो फिल्मों में काम करने के लिए, अपनी अदा को बाहर निकाल कर दिखाने के लिए, इस चैनल से संपर्क करें और हम लोगों से, राजेश भाई से संपर्क करें, सबको हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले तो मैं सुपर वन म्यूजिक और गेम्स इंस्टीट्यूट सॉरी बालाजी इंस्टीट्यूट का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज उन्होंने यहाँ पे मेरे को इनवाइट किया। मेरी छोटी सिस्टर रेणुका पवार सभी जानते होंगे, बॉलीवुड के लिए भी गा चुकी है, सपना चौधरी प्लेबैक सिंगर है, वो किसी वजह से अभी यहाँ पे आ नहीं पाई, इसलिए राजेश सर ने बुलाया, आना पड़ा क्योंकि बहुत लगाव है इनसे शुरू से ही। और सुपर वन म्यूजिक सर, जैसा भी जनेश्वर सर ने बताया कि नए कलाकारों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म राजेश सर ने दिया है हमसे जुड़ने के लिए और चैनल से जुड़ने के लिए, यूट्यूब पे चैनल अपना सुपर वन म्यूजिक सर ने बनाया है, तो आप उससे जुड़िए और इस पर अपने, मान लो नहीं आ सकते, वीडियो प्लॉटिंग का तो सिस्टम होगा सर, व्हाट्सअप नंबर इसका आपको दिया गया है, आप अपनी वीडियो व्हाट्सअप भी कर सकते हैं इनको, अगर जो इनको लगा कि आप में कुछ टैलेंट है तो आपको व्हाट्सअप के द्वारा भी ऑफिस पर बुला लिया जाएगा। और राजेश सर अपने आप में भोजपुरी के सुपर स्टार कहे जाने वाले और फिर हरियाणा में भी इतना धमाल मचाने वाले बहुत अच्छे एक्टर हैं, और तो इनको सपोर्ट कीजिए, इनके चैनल को सपोर्ट कीजिए, बाकी हम इनके सपोर्ट में हैं और हमारी पूरी टीम सपना मैम की टीम इनके सपोर्ट में। थैंक यू। मैं अपनी कंपनी सुपर वन म्यूजिक की तरफ से अपने एक मुख्य अतिथि जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और चाहता हूँ कि वो मंच पर आए, हमारी रेखा गौतम जी मैम उनका फूल माला से स्वागत करें। प्लीज कम ऑन द स्टेज, कनी सोमन। ये हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं, जैसा कि आप जानते हैं हमारी कोई भी फिल्म हो उसमें पैसा तो लगते ही यार, और सर हमें हमेशा सेवा का मौका देते हैं, हम पे विश्वास करते हैं कि हमारी कला आगे बढ़ सके, इसीलिए उन्होंने कभी ये नहीं सोचा
हमेशा से कहा कि भाई आप काम करते रहिए, पैसे की कभी चिंता मत करिए, भगवान का दिया सब कुछ है मेरे पास। धन्यवाद। तो बताया कि फिल्म इंडस्ट्री में उत्तर प्रदेश में पिछड़ता जा रहा है, ये बात सही है, क्योंकि आज लोगों का झुकाव बॉलीवुड की तरफ है, भोजपुरी की तरफ है, तो उत्तर प्रदेश में हमारे कलाकार भी पिछड़ रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम नए नए कलाकारों को यहाँ से निकालें और अपना जो पश्चिम उत्तर प्रदेश हमारा है उसका बहुत अच्छा नाम है, तो लोग यहाँ पर अच्छी हैं, क्योंकि हमें हॉलीवुड की तरफ नहीं जाना, हमें अपने देहाती की तरफ जाना है। और आज भी लोग में पूछी है कोई प्रोग्राम आते हैं, अभी मैं गलत प्रोग्राम देता हूँ, त्यागी जी है, संतराम जी है, ये प्रोग्राम देखते रहता हूँ, मैं पूरा प्रोग्राम देखता हूँ। तो हम लोग भी इस प्रयास में है कि नए कलाकार जो हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश के हरियाणा के हैं, तो लोगों को जो उनकी योग्यता है वो योग्यता उनकी बाहर निकल के आए, ताकि जो नए नए कलाकार हमारे यहाँ पे पैदा हो रहे हैं उनको मौका मिले बॉलीवुड में जाने का, फिल्म में काम करने का। क्योंकि आज से 10-15 साल पहले या 20 साल पहले फिल्मों में काम बहुत कम होता था, कलाकार सीमित दायरे में रहते थे, लेकिन आज दायरा इतना बढ़ चुका है कि कलाकारों के लिए बहुत काम है आज का, क्योंकि यूट्यूब है, फेसबुक पे लोग डालते हैं, यूट्यूब के अलावा वेबसाइट है, टीवी सीरियल है, टीवी फिल्में हैं, तो काम बहुत है। तो अभी मैं जो सुपर वन की तरफ से जो राजेश जी हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कलाकारों को निकालने के लिए, प्रयास कर रहे हैं कि अच्छे से कलाकार उसमें आए तो हम काम दें। तो मैं भी इनके साथ में हूँ, मेरी भी अभी दो फिल्में अगले महीने साथ को मैं शुरू करूँगा, उसमें सुमन देवी जी उसमें एक मैं सुमन देवी, और आपने फिल्म देखते हुए देखते हुए भाभी के घर में है उसमें कमिश्नर का रोल करते हैं, किशोर भानु काली जो कमिश्नर बने हुए वो उसमें रोल कर रहे हैं, और आपके रमेश गोयल जी भी हैं, मेरा अच्छे कलाकार फिल्म बॉलीवुड के उसमें है। लेकिन मैं उसकी लोकेशन में भी ऐसी फिल्म की को मेरी मजबूरी उनको ले रहा, क्योंकि वह क्राइम पे है वो फिल्म, रियल स्टोरी पे है, लेकिन कुछ सीन उनको मैं कराने के बाद में मैं ज्यादातर कलाकार अपने उत्तर प्रदेश को लूँगा, मैं नए कलाकार हैं तो फिल्म में फेस भी डालना पड़ता है, तो फेस में डालने के अलावा तो मेरे नए कलाकार हैं, राजेश से बात हुई थी, उनके कई लोग साथी हैं यहाँ पर, उनसे बात करा हुआ था कि हम नए कलाकारों को उनको फिल्म में मौका देंगे। तो एक फिल्म एक कॉमेडी फिल्म है ताओ बेचारा बहुत से हारा, तो मैं टोटल मेरे कलाकार नए हुए और पश्चिम उत्तर प्रदेश के और हरियाणा के फिल्म में कलाकार लूँगा। फिर दूसरी फिल्म है सच की जीत, अभी कुछ दिन पहले इंटरव्यू भी आया था, इंटरव्यू दिया था उसमें कुछ कर गया फिल्म का। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि इनकी बात को त्याग की बात को आगे बढ़ाते हुए कि हमें जो टैलेंटेड लोग हैं हमारे कलाकार हैं उनको निकाल के उनको लाना है, उनको काम देना है, और काम हम देंगे उनको। अभी अशोक सीरियल आपने देखा होगा, अशोक सीरियल वो सीरियल भी अपना था जो कलर टीवी पर आता था, चैनल पर आता था, वो दो तीन साल पहले पूछ रहा वो जीवन था अपना देखा। हाँ, और अभी देखो जो काम करेगा उसको उसको बेनिफिट मिलता ही मिलता है, उसको घर में बैठे कुछ नहीं हो सकता, अगर आप घर में बैठे कलाकार आपके अंदर है उसको आप निकाल के बाहर नहीं जाएंगे तो आपको फायदा उसका होने वाला नहीं है। अभी पिछले हफ्ते मेरे यहाँ पे मेरी स्टैंड में नौकरी करते थे अभी दिल्ली में, अभी उसको सेंसर बोर्ड का उसको मेम्बर बनाया गया है, चार सुल्तानों आपने टीवी पेपरों में तीन चार में देखा होगा, मेरे साथी उन्होंने कैलाश मासूम जी है फिल्म सेंसर बोर्ड के वो भी मेम्बर है। तो इसलिए अगर कोई फिल्में भी बनती हैं, अगर फिल्म में रुकावट आती है किसी फिल्म रिलीज करने में दिक्कत परेशानी है तो उनको पूरा सहयोग करेंगे, सेंसर बोर्ड जो परेशान करता है उन फिल्मों को पास करने का काम करेंगे निष्पक्ष रूप से, कोई पैसा नहीं देना उनको, कुछ नहीं देना, क्योंकि आज जो कोई भी कलाकार हो जिसका नाम है जो दिखता है वही बिकता है। तो आज हम लोगों का फिल्म इंडस्ट्री में हो या सोशल काम में हो या राजनीति में हो, हम लोग आज का नाम चल रहा है तो उसका फायदा होना चाहिए, और मैं चाहता हूँ उसका हमारे नाम का फायदा आप लोगों को मिलना चाहिए, उसका फायदा उठाइए, उनको काम मिले, टीवी चैनल पर काम मिले, फिल्म में काम मिले, और वो अपना उत्तर प्रदेश का नाम को आगे बढ़ाने का काम करें, देश में भी विदेश तक उत्तर प्रदेश का नाम हो, ऐसे ऐसे कलाकारों को निकालने का आप लोग काम कीजिए और हम आपके साथ हैं, जो उन्होंने सहयोग हम आपको सहयोग करें। बहुत धामा जी आए और दो शब्द आशीर्वाद के रूप में अवश्य कहें, काफी देर से सर हमारे बीच में बैठे हैं, प्लीज सर।
ये जो हमारी सुपर वन म्यूजिक कंपनी है, ये आजकल इतने नए कलाकारों को मौका दे दिया है यूपी के, और मैं यही कहूँगा कि जो नए कलाकार हैं वे अपनी मेहनत और लगन से काम करें और सफल हो। थैंक यू सर, थैंक यू सुनना। मैं चाहूँगा कि हमारे और महाशय हैं अतिथि जी नरेश त्यागी जी, कृपया करके आप आए और थोड़ा सा कुछ अपने विचार प्रकट करें। सर से आयोग को नमस्ते करता हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ, बाकी हमारे बड़े बुजुर्ग कह चुके हैं और हमारे राजेश सर जी का चैनल सुपर वन म्यूजिक में चाहता हूँ कि ज़्यादा ज़्यादा को शेयर करें और कमेंट करें और ज़्यादा ज़्यादा सर जी का हमारा चैनल देखें। बस ज़्यादा यही कहना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच सर हम आपके गुड विशेष के लिए, ईश्वर ऐसा ही करें। प्लीज संजय जी आइए और थोड़ा हमारे लिए आशीर्वाद के रूप में दो शब्द बोलिए। सभी भाइयों मेरे राम राम, मेरा नाम संजय दिव्यान है। आज सुपर वन म्यूजिक के बैनर तले जो ऑडिशन किया जा रहा है उसके लिए मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सबसे गुजारिश है, सभी जितने भी नए कलाकार आपके सामने ये ऑडिशन को देखेंगे, कृपया करके सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर, लाइक। थैंक यू सो मच। गुंडा, मैं कोई ऐसा वैसा गुंडा नहीं जिसके हाथ में सरिया या मुंह पे चाकू का निशान हो, बल्कि इंस्पेक्टर एक ऐसा गुंडा हूं जो तेरी इसी कुर्सी पर मौत करकर अदालत में यह साबित कर सकता है कि तेरी मौत मैंने नहीं दिल के दौरे से हुई है। सोचने लगे आने
मुझसे बिना मैं बालाजी कॉलेज की तरफ से समस्त स्टाफ की तरफ से आए हुए महान कलाकारों का अभिनंदन करता हूँ और अपना चैनल जो है सुपर वन म्यूजिक प्रोजेक्ट के समस्त कलाकारों को बधाई देता हूँ। प्लीज राजेश कुमार जी जोरदार। और जैसे कि सुपर वन म्यूजिक एक हमारा मतलब एक तरह का हम ये करना चाह रहे हैं कि जितने भी हमारे यूपी क्षेत्र पूरे भारत के जितने भी कलाकार हैं जो न्यू कलाकार हैं जो भटकते रहते हैं वो सब इकट्ठा हो जाए और जो बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं उनको इकट्ठा करके ये सुपर वन म्यूजिक एक परिवार बनाया गया है जो कि अपनी कला को वो दिखा सके। तो ये हमारा मिशन है, तो आप सभी सहयोग करें। आपके सभी सहयोग करने से ये मिशन हमारा पूरा होगा। धन्यवाद। और जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि हमारी कोशिश है और ये कोशिश तभी सफल होगी जब आप सब लोग जुड़ेंगे। हमारा प्राण जैसा भी है पर हम लोग दिल के अच्छे हैं सच्चे हैं, तो हमारी गुजारिश है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और चाहे कलाकार छोटा हो या बड़ा हो वो कला से तो नहीं होता, सोचते होता है। तो दिमाग को बिल्कुल बड़ा कर लीजिए, विचारों को बड़ा कर लीजिए और बिल्कुल मत शाय हो लीजिए ना शर्माइए। हमारा ये जो संस्था है सुपर वन म्यूजिक वो आपको सुनहरा मौका दे रहा है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम ऊपर तक पहुँचे, बॉलीवुड में एक नाम कमाएं हमारी कंपनी। देखो अच्छी की उम्मीद सभी करते हैं, बाकी ईश्वर की हमारे ऊपर सदा दया रहे उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हमारे बीच अभी आपने देखा था एक अच्छी बहुत ही अच्छा नृत्य कर रही थी मानसी। मैं चाहूँगा कि उनके पिता आएं और थोड़ा सा अपना अनुभव शेयर करें हमारे साथ, यहाँ आए थे हमारी कंपनी का जो भी रूपरेखा देखिए कैसा लगा। प्लीज़ अरुण जी आइए और रोशन गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वंस अगेन दैट सो गए सभी लोग, एक बार सभी लोगों को नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम अरुण है, बाय प्रोफेशन मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैकेनिकल के साथ साथ आज अपनी बेटी को यहाँ पर लेकर आया हूँ सुपर वन म्यूजिक चैनल को, जिसने कि इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है और मैं चाहूँगा कि ये प्रोग्राम कंटिन्यू करें न्यू कलाकार के लिए। इसके अलावा मैं थैंक्स एंड थैंक्स कहना चाहूँगा राजेश जी को और उनकी इंटायर टीम को। थैंक यू वेरी मच। मैं चाहूँगा कि एक बार और तकलीफ दे दूँ मैं हमारे मैनेजमेंट कमेटी के केयरटेकर साहब को, जो बालाजी इंस्टीट्यूट आप देख रहे हैं पास में। कैमरा साहब थोड़ा सा फोकस करिए ना इस पर, मैं नाम परिचित कराऊँ। इतना प्यारा बैनर बनाया है। तो मैं चाहूंगा कि मंच पर हमारे केयरटेकर साहब मनोज डागर साहब आए और आशीर्वाद के रूप में हमारी टीम के लिए और हमारे प्रयास के लिए दो शब्द कहें। मनोज डागर साहब जो सभी को नमस्कार। सुपर वन म्यूजिक कंपनी की तरफ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका बहुत बढ़िया प्रयास है जो छोटे बच्चों को ऑडिशन करके जिसमें गाने के लिए एक्टिंग के लिए सिंगिंग के लिए जो भी सीखना चाह रहा है ऑडिशन देना चाह रहा है, ये बहुत ही अच्छा प्रयास है और सभी को मैं अपनी तरफ से बालाजी की तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू सो मच। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो काफ़ी देर से हमारे दोस्त अर्णव जी जो कि एनएसजी से पास आउट है, जहाँ का एक्टिंग सीखने का लोगों का सपना होता है वो व्यक्ति वहाँ से एक्टिंग सीख के आए हैं, बड़े धुंधर आर्टिस्ट हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अपनी कला का प्रदर्शन थोड़ा सा हमें करके देखा है। अर्णव जी देखिए मैं कोशिश कर सकता हूँ एक अच्छा कलाकार बनने की, बाकी मालूम नहीं। मैं आपको एक छोटा सा एक्ट करके दिखाता हूँ। जब तहे दिल से शाहजहां ने मुमताज बेगम के लिए ताजमहल बनाया,
उस ताजमहल को बनता पूरा ना देखकर मुमताज मर चुके थे। ये हिलाएंगे मेरे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तो हुआ क्या कि मुमताज बेगम मर चुकी है और शाहजहां इस कदर मुमताज के गम में डूब चुके हैं और इस कदर परेशान हैं कि वो बयान नहीं कर सकते। वो पल क्या होता है जब एक महबूब से उसकी प्रेमिका चली जाती है, वो शरीर से वो आत्मा चली जाती है, तो वो दर्द क्या होता है? युवराज थोड़ा सा देखें, शांत हो। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि मुझे सिर्फ चंद लम्हों का वक्त दीजिए। और किस तरह से वो गुफ्तगू करते हैं अपने सभी मंत्रियों से शाहजहां साहब को आप देखिएगा। महाराज, इस कदर परेशान होकर आप इस शहरपनाह को कैसे चलाएंगे? बेगम मुमताज के जाने के बाद आप एकदम हताश हो गए हैं। कुछ कीजिए इस शहरपनाह के लिए महाराज, कुछ कीजिए। ये मौत एक अजब सी शह है। हमारी मुमताज को हमसे ऐसे छीन लिया कि जैसे कोई जंगली उकाब किसी मासूम परिंदे को झपट कर ले जाता। पर हम, अरे मंत्री जी, हम तो उस शिकस्त याफ्ता सिपाही की तरह है जिसकी बाजुओं में ना तो ताकत है ना कुवत है और ना ही तलवार और ना ही इस जंग को जीतने का हौसला। अगर है तो हमारे पास हमारी मुमताज की वो यादें, तो हमें बेबसी। अरे मुमताज, तुम हमें छोड़कर कहां चली गई? अरे हम जी नहीं सकते मुमताज, तुम्हारे बिना एक एक पल में हमें चल नहीं करता है मुमताज। अरे मुमताज। तो देखा दोस्तों, इनसे हमें कितना सीखने को मिलता है। तो हमारे जितने भी नए आर्टिस्ट आए हैं, जो काम करना चाहते हैं, उनको आपके एक्ट से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। क्योंकि मैंने देखा था जो हाई डायलॉग बोल रहे थे, पहले आवाज आ रही थी, एक्ट नहीं। यहाँ मतलब लगभग में चार सभी की आंखों में हल्का हल्का सा आंसू का एहसास होगा। वही चीज है, एक्टिंग बहुत बड़ी चीज, हम तो कुछ नहीं। थैंक यू सर।